मर्यादा है तो धर्म है, और मर्यादा नहीं तो कहां के राम, कहां के कृष्ण, कहां के देवी देवता। हनुमान मंदिर नर्मदे हर दक्षिण तट से हम आगे की ओर परिक्रमा कर रहे हैं। यहाँ से अब करीब 400 किलोमीटर और हमारी परिक्रमा की यात्रा शेष है। बरमान घाट में हमारी परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी। दक्षिण तट नर्मदा परिक्रमा मार्ग अमरकंटक जिला अनूपपुर नर्मदे हर। नर्मदे हर दक्षिण तट नर्मदा परिक्रमा मार्ग अमरकंटक से 25 किलोमीटर आगे ये ग्राम करंजिया है, जहां परिक्रमावासी रुक सकते हैं। राय सेवा आश्रम अमरकंटक अनूपपुर जिले में आता है। करंजिया डिंडोरी जिले में आता है। विनोद जी राय निज निवास पर परिक्रमावासियों को सेवाएं देते हैं। आप ही हैं राय साहब? भैया नर्मदेहर। नर्मदेहर कब से सेवाएं दे रहे हैं राय साहब? ये 2004 से। जी जी नर्मदेहर। नर्मदेहर नर्मदे हर करंजिया से 20 किलोमीटर आगे यह अगला स्थान है ग्राम गोरखपुर में, जहां परिक्रमावासी रुक सकते हैं। गोरखनाथ मंदिर ग्राम गोरखपुर जिला डिंडोरी भगवान गोरखनाथ MP यहाँ भोले बाबा भी विराजमान हैं। महाराज जी के हमें यहाँ पर दर्शन हुए। आप ही यहाँ भागवत कथा का आयोजन कर रहे हैं महाराज जी? नर्मदेहर। नर्मदेहर महाराज जी। कब से यहाँ कथा चल रही है महाराज जी? आज यहाँ महाराज जी जो है कि रुक्मणी विवाह छठवां दिन है जी। नर्मदा परिक्रमा मार्ग में 108 कथाएं होना है। अच्छा जी। जो कि तिलवारा घाट से चालू हुआ है, अमरकंठक से अब वापस जो है कि गोरखपुर में ये 12वीं कथा चल रही है। अब आगे मंडला होते हुए ग्वारीघाट होते हुए आगे गुजरात का रहेगा, और ये निस्वार्थ भाव से विश्व कल्याण के लिए कि सबका भला हो, धर्म कर्म धर्म की ध्वजा लहराती रहे, मर्यादा भारत में बनी रहे। तो मर्यादा है तो धर्म है, और मर्यादा नहीं तो कहाँ के राम, कहाँ के कृष्ण, कहाँ के देवी देवता। तो जो गलत मार्ग पर जो संसारिक में जो जा रहे हैं, तो उन लोगों से विनम्र निवेदन है नर्मदा माई की तरफ से कि वापस भगवान की ओर आए। जो अंधकार में जो चले गए हैं और जो जा रहे हैं, तो थोड़ा सा बचे, विश्व कल्याण हो, सबका भला हो। कथा श्रवण करते हैं लोग, लेकिन एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। भाई धन दौलत जमीन जगह प्रॉपर्टी वो रखा रहेगा, तो जो
संसारिक में जो जा रहे हैं उनसे निवेदन है कि भगवान की ओर आए, भगवान में सर्वस्व समर्पित रहें, धर्म की ध्वजा लहराती रहे, परिवार के सब लोग खुश रहे, दिक्कत परेशानी वगैरह बाधाएं ना आए, बीमारियां ना आए, भंडार दिन दूनी रात चौगने भरे रहें, सबका अच्छा अच्छा हो। अब आप लोग अच्छा नहीं चाहते तो जाओ संसार में, लगे रहो पैसों में, लगे रहो धनदौलत जमीन जगह प्रॉपर्टी में, महाराज को कहा और भगवान को कहा जा रहा हूँ, तुम जानो तुम काम जाने। राधे 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 राधे। महाराज जी नाम क्या लिखते हैं? रसिक प्यासी, पाटन जिला जबलपुर मध्य प्रदेश। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर, दक्षिण तट, नर्मदा परिक्रमा मार्ग, ग्राम गोरखपुर से लगभग 30 किलोमीटर आगे यह अगला स्थान है, शंकर मंदिर, ग्राम खरगहना, एमपी। मुख्य मार्ग से एकदम किनारे पर है ये मंदिर। मंदिर के ऊपर नर्मदा जी का मंदिर भी है। उत्तर तट, नर्मदा परिक्रमा मार्ग, ग्राम खरगहना, जिला डिंडोरी, एमपी, नर्मदे हर। नर्मदे हर, दक्षिण तट, नर्मदा परिक्रमा मार्ग, ग्राम खरगहना से यह अगला स्थान है, 9 किलोमीटर आगे जहां परिक्रमावासी रुक सकते हैं। ग्राम महावीर, जिला डिंडोरी, हनुमान मंदिर, डिंडोरी जिला के लगभग आखिरी छोर पर हम आ चुके हैं। दक्षिण तट, नर्मदा परिक्रमा मार्ग, नर्मदे हर। नर्मदे हर, दक्षिण तट, नर्मदा परिक्रमा मार्ग, 24 अक्टूबर 2021 को एमपी नरसिंहपुर जिला बरमान घाट से हमने पैदल परिक्रमा शुरू की थी। आज 23 अप्रैल 2022 है। आज 6 महीने पूरे हो चुके हैं हमको पैदल चलते हुए। हम डिंडोरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लगभग डिंडोरी तक हम पहुंच पाए हैं दक्षिण तट पर 6 महीने में। अपने चैनल के माध्यम से हम नर्मदा परिक्रमा की अधिकतम जानकारी दे रहे हैं। नर्मदा परिक्रमा की कोई भी अन्य जानकारी हमें फ़ोन करके भी प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है। विनय शुक्ला, गाडरवारा, नर्मदे हर।